नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। आई एम क्यारा चोपड़ा एंड आई एम ए प्रोफेशनल मॉडल एंड एक्ट्रेस एंड ये मेरे डायरेक्टर हैं, मैंने इनके साथ वर्क किया है और इनके इन्विटेशन पर मैं आई हूँ। इतना कुछ नहीं जानती इस मूवी के बारे में, जैसे सर ने बताया कि आई मिस्टेक एक गलती इज़ अ न्यू फिल्म और आई डोंट नो अबाउट मोर थिंग्स अबाउट दिस फिल्म, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर एंड थैंक यू सो मच कि मुझे मेरा नाम सुनील चौहान है, दिल्ली से हूँ और जैसा कि अभी चांद जी ने आपको बताया होगा कि मिस्टेक का हम मुहूर्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी फिल्म मार्केट में आए जिसको देख के कुछ लोगों को असर पड़े इस फिल्म से। एक लेसन है इस फिल्म में जो अगर लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल, शक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ ख़राब कर देती है लाइफ में। शक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी तो दर्शक बताएंगे शक कैसा है इसके अंदर। सर क्या कहना चाहेंगे? यस, आई हैव जस्ट कम टू सी द सॉन्ग रिकॉर्डिंग एंड टू से गुड लक टू द एंटायर टीम एंड या आई होप यू गाइस एंजॉय इट। आपका नाम? रूबी जी। तो पूरी टीम को आज यहाँ पे मिली है, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से एक नया शुरुआत जो हो रहा है जी बताना चाहेंगे? या आई जस्ट होप दैट एवरीथिंग गोज वेल एंड आई होप दैट द सॉन्ग रिकॉर्डिंग गोज वेल एंड द रेस्ट ऑफ द शूटिंग गोज वेल एंड आई होप द होल टीम हैज अ लॉट ऑफ फन डूइंग सो। बिलोंग करता हूँ और मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, देव पित्रा फिल्म प्रोडक्शन, जिसमें कि अभी मैंने एक हिंदी सॉन्ग्स लॉन्च किया है और अभी मैं चांद मेहता जी से, सुनील जी से मैं अभी ही जुड़ा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक हिंदी फीचर फिल्म शूट करने जा रहे हैं और एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जानकारी, एक नॉलेज देने जा रहे हैं कि छोटी छोटी सी गलतियाँ और बहुत बहुत ही नुकसानदायक हो जाती हैं। और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सुनील चौहान जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उनके साथ मैंने सीरियल वगैरह भी किए, लेकिन अब दोबारा से जुड़ा हूँ इनके साथ, तो मेरी फिल्म के लिए शुभकामनाएं मेरी हैं। मैं यही कहना, मैं अजय सिनेमाटोग्राफर इस फिल्म से जुड़ा हुआ हूँ और इसके पहले मेरी चार पंजाबी फिल्में, एक बिले एंड हाफ गर्लफ्रेंड में सेकेंड यूनिट कर चुका हूँ मैं और इस फिल्म से जुड़ा हूँ अभी सुनील जी के साथ में, प्रोड्यूसर साहब हैं जो, और चांद मेहता जी डायरेक्टर हैं। एक्चुअली बेसिकली एक फैमिली बेस्ड पे ये स्टोरी है और एक अच्छा हंसता खेलता परिवार जहाँ पे एक अगर शक की बिना पे कोई चीज़ आ जाती है तो वो एक ज़िंदगी को कैसे तितर बितर करती है, दिस इज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो एक बहुत ही अच्छा संदेश है कि आप अपने परिवार में ऐसी कोई शक को जगह ना दें, क्योंकि ये शक बहुत बड़ी हो सकती है। अब ये क्या हो सकती है वो तो फिल्म देखने के बाद बताएंगे, फिल्म की कहानी नहीं बोल सकते। और बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सस्पेंस थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है बेसिकली। तो सिनेमाटोग्राफी करने के लिए इसमें काफ़ी हमारे लिए भी मौके हैं, जो कंट्रास्ट लाइट होती है, सेट्स ऑफ लाइट्स होती है, खेलने के लिए बहुत है हमारे पास, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा पब्लिक के लिए। मेरा नाम सबा खान है, मैं एक्ट्रेस हूँ और ज़्यादा तो मैं कुछ इस फिल्म के बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन जैसे सर ने बताया कि एक मैसेज है तो इंशाल्लाह ये मूवी बहुत अच्छी होगी और ये मैसेज से सब लोगों को बहुत ज़्यादा जानने को समझने को मिलेगा और बेस्ट ऑफ लक बस, और क्या कहूँ। हमारी फिल्म जो है अभी इसका फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हो रहा है और सुनील जी हमारी प्रोड्यूसर है, सुनील जी प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, चांद मेहता जी डायरेक्टर है और आप है केका घोषाल, इंडस्ट्री की बहुत पॉपुलर और बहुत बहुत खतरनाक सिंगर है, इतनी प्यारी गाती है, हमारे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है और इस फिल्म का पहला गाना जो है केका गा रही है और गाना बहुत अच्छा है, आइटम सॉन्ग है, हम तो नाचेंगे अंदर और जब ऑडियंस उसको सुनेगी तो फिर वो नाचने से चूकेगी भी नहीं।
एज ए म्यूजिक डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से म्यूजिकल हिट होगी फिल्म? म्यूजिकली हिट भी है और दूसरा क्या है कि ये फिल्म का कॉन्सेप्ट जो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, मेकिंग वगैरह अच्छी होने वाली है और हमारे प्रोड्यूसर बहुत मजबूत है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो कर रहे हैं और भगवान करे कि उनको कोई चीज़ की कमी ना पड़े, जो हम मांगे वो देते रहे, फिल्म अच्छी बनेगी, फिल्म अच्छे आर्टिस्ट हैं जुड़े हुए। कितने गाने होंगे, किस गाने होंगे इसमें? अभी फिलहाल तो फर्स्ट गाना रिकॉर्ड करें, केका घोषाल गा रही है गाने को और बाकी चार गाने और हैं, तो फिर देखेंगे, प्लानिंग करेंगे किससे गवाना है, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मैं जब बॉम्बे में पहली बार नई आई थी तब से मैं इनको जानती हूँ, लेकिन इस गाने के लिए हम लोग काफ़ी सालों बाद मिल रहे हैं वापस, सो इट्स काइंड ऑफ अ रीयूनियन थ्रू दिस सॉन्ग। एंड हूँ काफ़ी साल से इंडस्ट्री में कुछ गा रही हूँ, दो एक फिल्म इसके पहले भी आई है, एड्स गाती हूँ बहुत, लाइव शोज़ करती हूँ, बस दैट्स इट। तो इस फिल्म के जो आज गाना रिकॉर्डिंग आपके जी मधुर आवाज से शुरू होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में डायरेक्टर को? बहुत ही मज़ेदार गाना है, बहुत नोकझोंक है, बहुत कुछ है गाने में, तो मज़ा आएगा, बीइंग अ सिंगर बहुत कुछ दिखाने के लिए है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक डायरेक्टर तो वो तो मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, भी बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, पता नहीं वो खुद गाता क्यों नहीं है बट बहुत अच्छा गाता है, मतलब वो ऐसे अनजाने में ऐसा गा देगा ना, जो बीइंग अ सिंगर मैं गाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा 2-3 बार, अच्छा ये कैसे किया, ऐसा होता है। तो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, वेरी गुड कंपोजर, वेरी गुड सिंगर, तो अच्छा ही होगा। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है, ओ मिस्टर कूल तू ये ना भूल, तेरे सपनों की रानी मैं, हीर लैला पुरानी है नई तेरी कहानी मैं, ओए मेरे दिल के स्टेशन में तू रोक दे अपनी ट्रेन, इमेजिन इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन आई इमेजिन ओए इमेजिन ओए, ऐसा कुछ है। बहुत फेवरेट त्यौहार है होली, आई लव कलर्स, आई लव लाइफ, तो मुझे होली बहुत पसंद है। रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से हो, रंग भर से भीगे चुनर वाली, रंग भर से, होली सबको मुबारक हो। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।